लोकसभा चुनाव को लेकर कई क्षेत्रों में लोकसभा प्रत्याशी अपने अपने पाले में जोड़ तोड़ की तमाम कोशिशें कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस जोड़ तोड़ की दौड़ में सबसे आगे सीपी जोशी तोड़ बने हुए हैं। जी हां, जो कि वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और वर्तमान में राजस्थान प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हालांकि दो बार से वो चुनाव जीत रहे हैं, मगर जो विधानसभा चुनावों का एक दौर देखा गया था, उस दौर में जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में निकल कर आई थी, तो उस वक्त चर्चाएं होने लगी थी कि अगर यही स्थितियां, यही आक्रोश, यही नाराजगी लोकसभा चुनावों तक नजर आती है तो राह सीपी जोशी की इतनी आसान रहेगी नहीं, राह भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी सरल नजर आएगी नहीं चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र में। परंतु जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, जैसे ही सीपी जोशी के चेहरे का सामने आना होता है, उनके नाम की घोषणा होती है, ऐसा लगता है कि सीपी जोशी उन तमाम समीकरणों को बड़ी मजबूती के साथ साधने में जुट जाते हैं। क्या क्या समीकरण साधे गए उस पर आऊं, उससे पहले विधानसभा के उस थोड़े से परिदृश्य की बात करेंगे। जब आपको पता होगा कि अचानक से चंद्रभान सिंह आक्या, जो भारतीय जनता पार्टी के दो बार के विधायक होते हैं, उनका टिकट कट जाता है, एक बड़ी अच्छी खासी नाराजगी नजर आती है, भाजपा से ज्यादा उनके समर्थक सीपी जोशी से नाराज दिखाई देते हैं, भाजपा से ज्यादा चंद्रभान सिंह आक्या अपना हमला सीपी जोशी पर बोलते दिखाई देते हैं। और उस वक्त ये चर्चाएं तेज हो जाती है कि आने वाले समय में सीपी जोशी के लिए चंद्रभान सिंह आक्या एक मुसीबत पैदा कर सकते हैं। चंद्रभान सिंह चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय के तौर पर लड़ते हैं, चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच जाते हैं, तब पुनः ये चर्चाएं होती है, क्योंकि चंद्रभान सिंह अपनी ताकत दिखा चुके होते, तो कहीं ये ताकत सीपी जोशी के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए लोकसभा चुनाव में। उसके साथ एक नाम का और जिक्र आता है उस क्षेत्र में, रणधीर सिंह भिंडर, भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय तक जुड़े रहे, फिर जनता सेना बनना ही लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, परिणाम ज़्यादातर उनके विपक्ष में रहते हैं, मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है। निर्दलीय के तौर पर, जनता सेना के प्रत्याशी के तौर पर हर बार वो अपने पक्ष में अच्छे खासे वोट दिखाते रहे हैं, वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आते रहे। फिर एक नया चेहरा जो अचानक से नाराजगी के साथ उभरता है और एक मजबूत चुनाव लड़ता है, निर्दलीय के तौर पर अच्छे खासे वोट बटोरता है, जीत नहीं पाता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीतने भी नहीं देते हैं, नाम होता है कुलदीप सिंह चुंडावत, साकरियाखेड़ी मावली से चुनाव लड़ते हैं। मावली में भाजपा बनाम कांग्रेस का अंतर बहुत कम होता है, मगर कुलदीप सिंह 30,000 से भी ज़्यादा वोट लेकर आते हैं, उससे ये बड़े आसानी से पता चल जाता है कि इनके वोटों की संख्या ही भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ परिणामों को प्रतिकूल बनाती दिखाई दी। तो ये तो अलग अलग ये चेहरे होते हैं बड़े परिदृश्य में जो चुनाव लड़े, उसके अलावा कुछ और भी चेहरे होते हैं जो अंदर खाने नाराज दिखाई देते हैं, नाराज नजर आते हैं, तो ऐसे में लगातार ये चर्चाएं चल रही होती है कि सीपी जोशी के लिए चीज़ें इतनी आसान रहेगी नहीं। परंतु सीपी जोशी कुशल राजनेता है, वो स्थितियों परिस्थितियों को भांपने में माहिर है, प्रदेश के मुखिया है, तो काफ़ी प्रभाव भी है, उन प्रभाव को अपने पाले में, अपने पक्ष में किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, वो फिर समीकरणों को जब साधने का दौर शुरू होता है तो उसमें बड़े स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। शुरुआत होती है रणधीर सिंह भिंडर से। आपको याद होगा कि जब एक अचानक किसी दिन भारतीय जनता पार्टी के अच्छे खासे उस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य दलों के लोगों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश होती है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने की कोशिश होती है, उस दिन रणधीर सिंह भिंडर भी उस मंच पर दिखाई देते हैं, जनता सेना का भाजपा में विलय हो जाता है, रणधीर सिंह पुनः भाजपा के हो जाते हैं। इसे उस वक्त भी सीपी जोशी की एक बड़ी सफलता देखा गया, क्योंकि वहाँ एक माहौल बन गया था कि सीपी जोशी से राजपूत नाराज है, ऐसे में एक बड़े राजपूत चेहरे को अपने पाले में लाकर इस एक नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई। चित्तौड़गढ़ जो विधान लोकसभा क्षेत्र है उसमें राजपूत वोटर्स अच्छी खासी संख्या में हैं, तो उस माहौल को, उस डैमेज को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया। डैमेज कंट्रोल के उस दौर में भी सबसे ज़्यादा निगाहें चंद्रभान सिंह आक्या पर बनी हुई थी कि चंद्रभान सिंह क्या करते हैं, क्योंकि खबरें यह भी निकल कर आई कि हो सकता है कि वो निर्दलीय के तौर पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ ले। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो सीपी जोशी के लिए एक बड़ी मुसीबत का सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई देना तय था। ऐसे में सीपी जोशी जो अगला कदम उठाते हैं वो प्रदेश मैनेजमेंट की मदद से चंद्रभान सिंह आक्या को अपने पाले में लाने का कदम होता है। कुछ तस्वीरें वायरल होती है, कुछ इंटरव्यूज आते हैं, कुछ वीडियोज़ के माध्यम से दोनों ही एक दूसरे के आसपास हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ दिखाई देते हैं। बताया यह जाता है कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद कुछ इंटरव्यूज आते हैं, फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब चंद्रभान सिंह आक्या अपने समर्थकों की भारतीय जनता पार्टी में वापसी करवाते हैं। उन ज्वाइनिंगों के साथ साथ चीज़ें यह भी स्पष्ट हो जाती है कि अब सीपी जोशी अपने एक प्रबल प्रतिद्वंदी को भी अपने पाले में ला चुके हैं, अपने पक्ष में ला चुके हैं, इस समीकरणों को साध रहे हैं। समीकरणों को साधने का ये दौर आगे भी चलता है। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले कुलदीप सिंह चुंडावत भी अब भारतीय जनता पार्टी के पुनः सदस्य हो गए हैं, पुनः भाजपा के पाले में आ गए हैं। तो जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ जिस प्रकार से सीपी जोशी इस चुनाव में साधते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़ को
वो बड़ी बारीकी से पहचानते हैं, बड़े अच्छे से पहचानते हैं। और संभवतया अभी जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही है, जिस प्रकार के समीकरण वो अपने पाले में ला रहे हैं, हो सकता है कोई एक हैट्रिक की तरफ भी वो बढ़ चले हो। हालांकि चुनाव इतना आसान है नहीं, उनके सामने उदयलाल आंजना की जैसा एक माहिर नेता है, कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे, मंत्री रहे, हालांकि बीच में खबरें यह भी आई कि भाजपा में जाने वाले हैं, वो खबरें खबरें ही बनकर रह गई। प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, उस लोकसभा क्षेत्र से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, एक अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव उनको भी है। भारत आदिवासी पार्टी का वहाँ एक अलग प्रभाव देखा जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ चलेगी। तो अब उन चीज़ों के बीच में ये जो समीकरण साधे गए हैं, ये कहीं ना कहीं सीपी जोशी को लाभ देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि कुशल राजनेता है, प्रभावशाली है, प्रदेश के मुखिया हैं, तो जिस प्रकार से स्थितियाँ उनके पाले में उनके पक्ष में हो सकती है, वो तमाम कदम वो वहाँ उठा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें लोकसभा चुनाव के परिणामों को कितना प्रभावित करती है, वो हम आगे वाले किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे, चुनाव परिणामों के बाद कोई चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई विश्लेषण करेंगे। मगर अभी के चुनावी परिदृश्य में, चित्तौड़ में काफ़ी समीकरण अपने पक्ष में सीपी जोशी करते दिखाई दिए हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।